सौरव गांगुली ने इनडायरेक्टली दी गौतम गंभीर को एक बहुत गंभीर सलाह। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज स्टेशन में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के इस वक्त के हेड कोच हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद टीम इंडिया को एक नया हेड कोच मिलेगा। हेड कोच के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। 27 मई को BCCI ने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। 27 तारीख आखिरी डेट थी जब सभी के एप्लीकेशंस आए, जिसमें गौतम गंभीर भी थे, जिसमें आशीष नेहरा भी थे, जिसमें एंडी फ्लावर भी थे। फॉरेन कोचेस की बात करूँ, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग भी थे, बहुत सारे नाम लगभग 3000 से भी ऊपर एप्लीकेशन आई थी। लेकिन सबसे आगे सबसे पहला नाम गौतम गंभीर का ही है। गौतम गंभीर हर खांचे में सेट बैठते हैं। अगर हेड कोच की बात करें, डिसिप्लिन है और अपने खिलाड़ियों को बैक करना जानते हैं। टीम इंडिया का ट्रांजिशन पीरियड भी आने वाला है वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जनरली आप देखेंगे कि बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो जैसे रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली, ये शायद आपको व्हाइट बॉल फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आए, तो युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। और जब युवाओं की बात आती है तो गौतम गंभीर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि चाहे मयंक यादव की बात हो, चाहे आयुष बदोनी की बात हो, IPL में गौतम गंभीर ने इन खिलाड़ियों को लेके आए थे, इन्होंने बैक करा था। तो गंभीर जानते हैं कि अपने प्लेयर्स को किस तरीके से बैक करना है। अब इसी कड़ी में सौरव गांगुली, उनका एक बयान निकल कर आया। बयान क्या, बेसिकली उन्होंने ट्वीट करा है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि भाई अगर आपको हेड कोच बनना है, हेड कोच बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब किसी को हेड कोच चुनते हो तो बड़े अच्छे से आराम से चुनिए, क्योंकि हेड कोच एक बहुत बड़ी पदवी, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन होती है। हेड कोच सिर्फ आपको अंदर फील्ड के अंदर ग्रूम नहीं करता, बल्कि फील्ड के बाहर भी ग्रूम करता है। आप हेड कोच के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो, वो आपको शेप देता है, आपके अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर निकालता है। तो अगर आपको हेड कोच चुनना है तो बड़े ध्यान से सटीक अंदाज में चुनिए। तो गौतम गंभीर को भी उन्होंने सलाह दे दी है, BCCI को भी सलाह दे दी है इनडायरेक्टली, भले ही कुछ बोला नहीं, बट इनडायरेक्टली ये सलाह दे दी है और BCCI को बता दिया कि अगर आप हेड कोच चुन रहे हैं तो फिर आप अच्छे से चुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोच करना किसी को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और टीम इंडिया जैसी स्टार टीम को संभाल के रखना यह भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यह कुछ सौरव गांगुली ने कहा है, गौतम गंभीर और BCCI इनडायरेक्टली इनके बारे में। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि जो गौतम गंभीर हैं, क्या वो हेड कोच बनेंगे, क्योंकि नाम उनका ही है सबसे आगे। क्या आपको वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर हेड कोच बनते हुए नजर आएंगे, KKR को टाटा बाय बाय बोल देंगे? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।